ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, पूरे 500 सालों के इतिहास के बाद इस बार 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के दिन 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों पर भगवान भोलेनाथ जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। जी हाँ मित्रों, 5 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है और साथ ही शिवरात्रि पर कुछ ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशि वाले लोगों को इस साल अचानक से धन का लाभ होने के साथ ही कर्ज मुक्ति और विवाह योग का लाभ मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियाँ जिनकी किस्मत इस साल महाशिवरात्रि के बाद से ही बदल रही है। तो सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह भगवान भोलेनाथ जी का अपडेट जो है वो पहुँच सके। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमस्तभ्यम। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी और माता आदि शक्ति पार्वती जी के विवाह के उत्सव को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने के चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च के दिन है और इस बार पूरे 500 सालों के इतिहास के बाद 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि पर शिव योग बन रहा है। उसके अलावा गनिष्ठा नक्षत्र, स्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग के साथ ही श्रवण नक्षत्र का महायोग बन रहा है जिससे महाशिवरात्रि का महत्व 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं महाशिवरात्रि पर किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव होगा, किन राशि वाले लोगों पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद रहेगा, और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे विशेष और दिव्य उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे जिनको करके आप भी अपनी किस्मत में बहुत ही बड़ा बदलाव कर सकते हैं, अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में, तो वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है, जैसे कि लोकेश, लेखराज, लीलावती, चौथमल, चैन सिंह, अंकित, अरुणा, अखिलेश, इस तरह से ए एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, इस बार पूरे 500 सालों के बाद महाशिवरात्रि वाले दिन शिव योग और सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। यह महासंयोग बनने से मेष राशि वाले लोगों पर भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से कृपा रहेगी। अगर आपकी कोई भी प्लानिंग लंबे समय से अगर अटकी हुई है या कोई भी काम काज अटका हुआ है तो अब वो पूरा होने लगेगा, आपकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी की कृपा से ग्रहों की चाल इस तरह से आपके लिए संकेत दे रही है कि 8 मार्च से ही आपकी किस्मत ही पलटने लगेगी, आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से इसी साल मार्च के महीने में ही आपका प्रमोशन होगा, कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको मिल सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, कार्यस्थल पर आपके काम की बड़ी प्रशंसा होगी, आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। रिश्तों की अगर बात करें तो माता पार्वती जी के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएगी, पति पत्नी के बीच आपसे रिश्ते और प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। भगवान शिव की कृपा से मेष राशि वाले लोगों के लिए इस साल की जो महाशिवरात्रि है वो बहुत ही खास होने वाली है। भगवान शिव शंकर की कृपा से अगले 6 महीनों के दौरान मेष राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है और साथ ही आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख कर वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है वो पहुंच सके। 8 मार्च के बाद भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी, आपका जो जीवन है वो सुखमय रहेगा। इस साल 2024 में आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे और साथ ही धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। जो भी विद्यार्थी है और लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो भगवान शिव की कृपा से महाशिवरात्रि के बाद अगले 180 दिनों तक आपको सरकारी नौकरी की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
सकती है। और साथ ही जो बेरोजगार है और नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पर उनके हित में फैसला हो सकता है। आपको धैर्य से काम लेना है और आपको यही उपाय बताया गया है कि महाशिवरात्रि से लेकर हर सोमवार के दिन आपको भगवान शिव शंकर को 5 बेलपत्र चढ़ाने हैं। और साथ ही सोमवार के दिन आप कोई भी दान पुण्य जरूर करें, जैसे कि गाय को चारा खिला दिया या किसी भूखे को भोजन करा दिया, पक्षियों को दाना खिला दिया। इस तरह से अन्न का दान करना भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से कृपा दिलाएगा। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, ये आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, 500 सालों के इतिहास के बाद इस बार जो महाशिवरात्रि पर सिद्ध योग और शिव योग बन रहा है ना, उससे भगवान शिव कृपा से वृषभ राशि वाले लोगों के वो सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं जो कि काफी समय से रुके पड़े थे। अगर आप काफी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे तो आपको इस वक्त सफलता प्राप्त हो सकती है। इस समय आप अपने निजी जीवन में जो भी कष्ट है ना वो दूर होंगे और साथ ही सुख शांति की स्थापना होगी। जो लोग कुंवारे हैं अविवाहित है उनको जीवन में योग्य साथी की प्राप्ति होगी। 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच आपकी विवाह की बातचीत चलना शुरू हो जाएगी और कहीं पर भी योग्य जगह पर इसी साल 2024 में आपका रिश्ता हो सकता है और उसके अलावा कहीं से भी रुके हुए धन की प्राप्ति होने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। आपको उपाय बताया जाता है कि आप हर सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर को आंकड़े का फूल चढ़ाए। आग का फूल अर्पित करने से शिव शंकर आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे और साथ ही शिव कृपा से आपको कोई भी बड़ा लाभ मिलेगा और बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, अभी तक भी आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो फटाफट से लिखकर वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए। और साथ ही अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि आपके नाम की राशि क्या बनती है, तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आपके नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएं ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। मित्रों, 8 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि के बाद धनु राशि वाले लोगों के लिए भी
जीवन में समय जो है वो खुशियाँ ही देने वाला होगा। आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन होंगे और साथ ही इनकम से जुड़े हर काम में आपको सफलता मिलेगी। इस वक्त जो भी बेरोजगार है और किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपकी ये तलाश पूर्ण होगी। भगवान शिव शंकर की कृपा से मनपसंद जगह पर आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। व्यापार में भी आपके लिए अच्छा और शानदार लाभ का योग बन रहा है। जो लोग बीमार चल रहे थे या उनके घर में अगर कोई भी सदस्य बीमार चल रहा था तो उनकी स्थिति में भी सुधार होगा। व्यापार में अचानक से आपके धन की आवक बढ़ सकती है, जिससे अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज हो रखा है तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान शिव शंकर को महाशिवरात्रि के दिन पीला चंदन अर्पित करें और उसके बाद कोई भी गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इससे भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ माता पार्वती जी की भी आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होने वाली है। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के करियर में भी भगवान शिव की कृपा से बहुत ही बेहतरीन अवसर मिलने वाले हैं। एक तो आपके परिवार में अगर कोई भी समस्याएं चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। काफी दिनों से अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे तो आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। इनकम के यानी कि धन प्राप्ति के नए नए स्रोत बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी। जो लोग नौकरी बदलने वाले हैं उनको कई अच्छे अवसर की प्राप्ति बनेगी। कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की साढ़े साथी चल रही है और साढ़े साथी की वजह से कई दिनों से आपके जीवन में परेशानियां चल रही थी। ऐसे में महाशिवरात्रि के बाद से ही अब भगवान शनिदेव की स्थिति भी उच्च की होने वाली है और साथ ही भगवान शिव की कृपा से आपको शानदार और वांछित परिणाम प्राप्त होगा। आप लोगों को उपाय बताया जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन ही आप किसी भी शनि मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होगी और महाशिवरात्रि के बाद समय जो है ना वो आपके लिए काफी अच्छा और खुशियों भरा रहेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।